नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपका हमारे YouTube चैनल में। तो दोस्तों आज हम प्ले करेंगे नागपुरी का बहुत ही सुपरहिट सॉन्ग, जिसे आपको सुनकर बेहद मज़ा आ जाएगा। और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, साथ साथ बेल बटन भी दबा दीजिए गाइस, क्योंकि हम इसी प्रकार वीडियोज़ डेली अपने चैनल पर लाते रहते हैं। तो फर्स्ट में देखिए, फर्स्ट में जो है मैं आपको म्यूज़िक सुनाऊंगा, उसके बाद वीडियो के लास्ट में आपको ट्यूटोरियल बता दूंगा, ताकि आप अपने कीबोर्ड पर बहुत ही आसान तरीके से प्ले कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू।
चलिए अपना सफर तक ट्यूटोरियल के ध्यान से देखिएगा मेरे फिंगर को और फॉलो करेगा आप डेफिनेटली इस आसान से सॉन्ग को सीख जाएंगे, मैं 100% गारंटी देता हूँ। ठीक है, तो शुरू से लेकर अंत तक वीडियो देखें दोस्तों, क्योंकि आप अगर स्किप करेंगे तो कुछ कुछ म्यूज़िक जो है छूट जाएगा आपसे और वो प्ले करने में मज़ा नहीं आएगा। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट में जो म्यूज़िक प्ले होता है वो किस टाइप से प्ले होता है, आप या फिर प्लग लीजिए, गिटार लीजिए, कोई सा भी आपको जो अच्छा लगे उसको, बेंजो भी ले सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे वो ले सकते हैं टोन में। ठीक है, टोन चूज़ कर लिया आपने, तो देखिए टोन चूज़ करने के बाद में देखिए कैसे बजाना है। देखिएगा यहाँ पे कौन सा म्यूजिक इस स्टेप से प्ले होता है, उसके बाद नेक्स्ट, ये फर्स्ट स्टेप हो गया, फिर सेकंड, फिर ये सेकंड हो गया, फिर थर्ड, देखिए तीन, चौथा में चार। ठीक है, चार बार इसको प्ले करना है। ठीक है गाइस, तो देखिए कैसे बजाना है आपको ध्यान से देखिए, यहाँ पे बहुत ही ये सिंपल है, यहाँ से लेना है आपको फर्स्ट, देखिए फर्स्ट की में इसको, उसके बाद में कैसे बजाना है देखिएगा, वन टू थ्री, फिर इसमें ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट, इसमें कैसे बजाना है देखिएगा, यहाँ पे गाइस यहाँ पे देखिएगा, फिर यहीं से उठाना है, फर्स्ट कौन कौन सा की यूज होना देखिएगा, वन टू थ्री, उसके बाद वन टू थ्री, वन टू थ्री, ये कोडिंग आपका यूज होगा। ठीक है, ये यूज हो रहा है इसमें। ठीक है, फर्स्ट में देखिए ये, फिर ये, फिर ये, कैसे बजाना देखिएगा यहाँ पे, जैसे कि आपने फर्स्ट स्टेप सीख लिया तो नेक्स्ट वाला कैसे बजेगा यहाँ पे ध्यान से देखिएगा गाइस, यहाँ पे ये स्टेप जो है आपको फॉलो करना है। देन इसके बाद में आपको सिंथ लीड का टोन ले लेना है, या फिर आपको जो आपको अच्छा लगे आपके कीबोर्ड में, इस टाइप से टोन उपलब्ध होगा आपके कीबोर्ड में, तो देखिए ऐसे बजाना इसको, सेम जैसे कि आपने जो गिटार सेक्शन में आप जो प्ले किए उसी को इसमें दोहराना है। ठीक है, देखिएगा फिर ठीक है दोस्तों, तो देखिए इसको कैसे बजाइएगा आप, इसमें ले लीजिएगा, फिर जो आपने फर्स्ट में बजाया था, फिर इतना बजाने के बाद में दोस्तों जो है आपको आपको गाने की ओर आगे बढ़ना और प्ले करना है, कैसे देखिएगा यहाँ पे सैक्सोफोन या फिर सैक्सोफोन फ्लूट कोई सा भी टोन आप यूज़ कर सकते हैं गाइस, तो इसके बाद में देखिए कैसे बजाना है आपको, इसमें गाने का शुरुआत करना है और बजाना है कौन सा देखिए, आपको प्ले करना है, तो कैसे बजेगा ये ध्यान से देखना है आपको, इसमें कर्ण स्वर इसमें टच होगा, फिर उसके बाद में क्या प्ले करना है देखिए, Thank you.
और सनम देखिए। कैसे बजाना देखिए गाइस, यहाँ पे ध्यान से देखना है आपको, ये लाइन को गौर से देखना है, ठीक है, तभी जाके जो है आप सीख पाएंगे पूरा कंप्लीटली, ठीक है। तो गौर से देखिएगा, ठीक है, यहाँ पे देखिएगा, दो बार हो गया, फिर तीन, यहाँ रुकना है, फिर ओ सनम देखिए यहाँ पे, ऐसे बजाना, फिर यहां से जंप मारना है डायरेक्ट यहां पे, ये लाइन क्लियर है, फिर ये लाइन प्ले होगा, गाने का मेन लाइन ही है, हाय रे मोर बाबू, ये लाइन फिर उसके बाद में ये लाइन जो है आपको प्ले करना है, ठीक है। तो सीखते हैं चलिए इसको कैसे प्ले करना है, कौन कौन से इसमें बटन यूज हो रहे हैं, इसमें देखिएगा 1 2 3 4 5 ठीक है, बहुत ही प्यारा और लाजवाब सॉन्ग है दोस्तों, आप एक बार अपने कीबोर्ड पर जरूर से जरूर प्ले करें, मज़ा ही आ जाएगा आपको प्ले करने में, मैं 100% गारंटी देता हूँ, ठीक है। तो इसमें देखिएगा कैसे प्ले आपको प्ले करना है, यहाँ पे हरे मोरे बाबू वाला लाइन, चलिए सीखते हैं सो गाइस, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, ठीक है दोस्तों, यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद में आगे बढ़ेंगे हम लोग, जो है एक म्यूजिक बजाना है गाइस, फिर आगे की ओर बढ़ेंगे, ठीक है, एक म्यूजिक बजा लेते हैं फिर आगे जाएंगे, फिर कंप्लीट हो जाएगा सॉन्ग, ज़्यादा लंबा नहीं है फ्रेंड्स ये, और ज़्यादा इसमें म्यूजिक भी नहीं है, इसके अंदर में सिंपल है, आप आराम से सीख जाएंगे, ठीक है। ये म्यूजिक आपको प्ले करना है, देखिए कैसे बजता है ये, गौर से सुनिएगा, ठीक है दोस्तों, फिर देखते हैं चलिए आगे बढ़ते हैं। तो गाइस ये म्यूजिक कैसे बजेगा यहाँ पे, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे तो इसको कैसे सीखना है गाइस, ध्यान से देखिएगा, एक बार में ही आपको पकड़ना है, ठीक है। कैसे बजना है देखिए, यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स, एक भी स्टेप आपको मिस नहीं करना है, मैं टोटली जो रियलिटी जो म्यूज़िक है वो बता रहा हूँ, ठीक है फ्रेंड्स, जो ओरिजिनल बजता है वो मैं आपको बता रहा हूँ, ताकि आप परफॉर्म कर पाएँ प्रोग्राम में, ठीक है। तो देखिए ये कैसे बजेगा, ऐसे टच करना है फिर, ठीक है फ्रेंड्स, आपका फिंगर को मूवमेंट कराना है, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा कैसे बजाना है दोस्तों आपको, यहाँ पे गौर से देखिएगा, सिंपल में देख लिया जाए तो ऐसे बजेगा इसमें, ठीक है।
फिर देखना है आपको। उसके बाद में ला ला ला, ठीक है फ्रेंड्स, बहुत ही सिंपल और लाजवाब म्यूजिक है, आप इसको छोड़िएगा मत, ठीक है। इसको अच्छे तरीके से सीखिए, मज़ा ही आ जाएगा प्ले करने में। इसको कैसे प्ले होगा कितना सुहाना सुनाई देता है, देखिएगा एक बार। फिर इसके बाद एक प्यारा सा लाइन प्ले होगा, ला 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 ला। बहुत ही मज़ेदार सॉन्ग है गाइस। तो इसका इसके पहले जो अपन सीख रहे थे उसको सीखते हैं, म्यूजिक लगभग क्लियर हो ही गया है। चलिए देखते हैं, और एक बार मैं इसको बता देता हूँ, फिर क्लियर हो जाएगा और आगे बढ़ेंगे, ठीक है दोस्तों। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिएगा, फिर रिटर्न आना है, देखिए जैसे हमने ऐसा फिर रिटर्न आना है, ठीक है। देखिए ध्यान से देखिए यहाँ पे दोस्तों, उसके बाद में देखिए गाइस कैसे बजाना है, फिर क्लियर है। इसके बाद में आपको प्ले करना है एक प्यारा सा लाइन, मजा ही आ जाएगा, आपका दिल छू लेगा ये लाइन। बिल्कुल रियल बज रहा है ये, एकदम रियल, जो ओरिजिनल सॉन्ग में जो प्ले होता है ना उसी टाइप से सेम टू सेम बज रहा है, ठीक है दोस्तों। इसका आपको प्रैक्टिस करना, देखिए कैसे बजाना है, ध्यान देखिए यहाँ पे, यहाँ पे आपको प्ले करना है, यहाँ पे दो फिंगर ले लिया हम, एक छोड़ दिए इसको, इसको बजाना, देखिए ध्यान से देखिएगा दोस्तों, एक भी चूक नहीं करना आपको। कितना बार मैं कितना बार कौन सा की को प्रेस कर रहा हूँ ये इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है, तभी जाके आप ओरिजिनल प्ले कर पाएंगे, ठीक है। तो देखिएगा कैसे बजाना है गाइस आपको, इतना प्ले करना है आपको। तो कैसे बजाना है ध्यान से देखिएगा गाइस, यहाँ पे एक एक बता रहा हूँ गाइस, इससे सिंपल आपको कोई नहीं बताने वाला है, इतना सिंपल एक एक करके बता रहा हूँ, आप डेफिनेटली ही प्ले कर पाएंगे। कोई आज भी कीबोर्ड खरीदा है और सीख रहा है बंदा, वो भी सीख जाएगा, ठीक है दोस्तों। देखिए इतना स्लो में, फिर ठीक है दोस्तों, बहुत ही प्यारा लाइन था ये। फिर इसके बाद में ये लाइन आपको प्ले करना है, तो कैसे बजाना है ध्यान से देखिएगा, योर लाइन फिर ये प्ले करने के बाद में आपको कौन सा प्ले करना है, ये जो फर्स्ट में आपने बजाया था ना ये प्ले करना है, क्लियर है गाइस, यहाँ तक आपको समझ आ ही गया होगा। इसके बाद में गाइस आपको कौन सा प्ले करना है, इसके बाद में फिर रिवर्स आ जाना है, आप जो शुरू में प्ले किए थे वो लाइन आपका प्ले होगा। तो दो राउंड में जो है आपका गाना खत्म हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है गाइस।
तो कैसा लगा आज का वीडियो कमेंट करके जरूर बताना गाइस। और कौन सा सॉन्ग जो ट्रेंडिंग में नागपुरी में चल रहा है दोस्तों, उसको कमेंट में लिखना ना भूलें, एक भी सॉन्ग नहीं छूटेगा फ्रेंड्स, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा दोस्तों, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब, साथ साथ बेल बटन भी दबा दीजिए, क्योंकि हम इसी प्रकार के वीडियोस डेली अपने चैनल पर लाते रहते हैं। और दोस्तों रोलैंड एक्सप्रेस 10 का यदि आपको लूप्स, टोन्स या फिर बीट आपको चाहिए हो फ्रेंड्स, नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर दिया हुआ है गाइस, वहाँ से आप जाके कांटेक्ट कर सकते हैं और प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। या फिर कोई जो बंदा जिसको गाने निकालने में थोड़ी सी परेशानी हो रही है, अगर वे ऑनलाइन क्लास करना चाहते हैं तो वे भी कॉल कर सकते हैं और सीख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए इतने, कल मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय दोस्तों, ठीक है।